फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास प्रोग्राम में मैं बात करने वाली हूं बॉलीवुड के भाईजान के बारे में। बॉलीवुड के भाईजान से आप सभी वाकिफ है, अक्सर वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड पे होते हैं। उसी के साथ ही विकी कौशल और कैटरीना की शादी के दौरान भी सलमान खान पर काफी मीम्स बने थे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको सलमान खान से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताऊंगी जिनको सुनकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। इसी बीच बात करूं एक्ट्रेस आयशा जुड़का की, तो उन्होंने सलमान के ऊपर कई यहां पर खुलासे किए हैं जो अब काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं और काफी ज्यादा ट्रेंड में बने हुए हैं। एक्ट्रेस आयशा जुड़का ने काम किया है सलमान खान के साथ कई फिल्मों में, कई लाइव शोज में, जिसके दौरान उन्होंने यहाँ पर अब सलमान को लेकर काफी ज्यादा गुफ्तगू करी है और उनको लेकर काफी खुलासे करे हैं। तो जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट, ये प्रोग्राम प्लस। एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने 90 के दशक में ढेर सारी हिंदी फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा है। आज के सुपरस्टार सलमान खान संग भी आयशा जुल्का ने काफी काम किया है। ऐसे में एक्ट्रेस को सलमान खान संग काम करने का एक्सपीरियंस है, उसको लेकर एक्ट्रेस ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने सलमान से जुड़ी रोचक बातें बताई है। सलमान खान अपनी एक्शन इमेज के लिए मशहूर हैं। उन्होंने कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा फिल्मों में भी बखूबी काम किया है, लेकिन जब डांस की बात आए तो सलमान के छक्के छूट जाते हैं। जी हाँ, आपने सलमान को कुछ बेहतरीन गानों पर थिरकते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन करियर के शुरुआती दौर में उन्हें डांस करने में बिल्कुल मजा नहीं आता था और वो इससे बचने की कोशिश किया करते थे। फिल्म कुर्बान के वक्त का किस्सा शेयर करते हुए आयशा जुल्का ने बताया, मुझे अच्छे से याद है मेरी पहली फिल्म थी, मैं सलमान खान के साथ शूट कर रही थी, डांस का सीक्वेंस था और वह इससे बच रहे थे। कोरियोग्राफर ने सीक्वेंस तैयार किया हुआ था, तब सलमान ने कहा कि उनकी चलते हुए ही एंट्री करवा दे, दूसरी तरफ मैं डांस के स्टेप्स कर रही थी। आयशा ने आगे बताया, हमने इस दौरान कई लाइव शोज साथ किए हैं, मैं ये देखकर भी काफी हैरान होती हूँ अब कि वह इतने अच्छे डांसर बन गए हैं। उनके स्टेप्स भी काफी पॉलिश्ड लगते हैं। उनके साइट को देखकर अब मुझे लगता है कि वह शायद पहले नाटक किया करते थे। आपको बता दें, हाल ही में सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा में एक्ट्रेस आयशा अपने एक और दोस्त और फिल्म एक्ट्रेस के साथ पहुंची थी। आयशा और मधु शाह दोनों सारे गामा पा में आई थी। इस दौरान उन्होंने सेट पर खूब मस्ती की। बात करें उनके वर्क फ्रंट की, तो आयशा ने जो जीता वही सिकंदर, दलाल समेत कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। आयशा ने शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया है। इसी के साथ ही सलमान खान के बारे में बात की जाए, तो सलमान खान जैसे बॉलीवुड के भाईजान उन्हें माना जाता है, पूरी दुनिया उनकी लगभग दीवानी हुई जा रही है। तो इसी बीच सलमान खान जो है काफी ज्यादा यहाँ पर इस इंटरेस्टिंग चरण में आके खड़े हो गए हैं। टाइगर 3 की वो शूटिंग करनी शुरू कर चुके हैं। टाइगर 3 के लिए वैलेंटाइन डे वाले दिन कैटरीना कैफ के साथ उनकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके चलते यहाँ पर काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि बॉलीवुड के भाईजान ने तो कैटरीना और विकी का जो वैलेंटाइन वीक था वो पूरा तबाह कर दिया। जी हाँ, वैलेंटाइन डे से ही टाइगर 3 की शुरुआत होने वाली है शूटिंग की, और अब जल्द ही ईद में भाईजान देने वाले हैं अपने फैंस को बड़ी खुशखबरी। ताबड़तोड़ फिल्मों के साथ एंट्री मारने वाले हैं बॉलीवुड के सलमान खान, और जल्द ही फैंस को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ ही बात करें बॉलीवुड के भाईजान के बारे में, तो बॉलीवुड के भाईजान की कई फिल्में अब दस्तक देने वाली है, और जल्द ही दस्तक देने के बाद यहाँ पर फैंस के दिलों पर राज करने वाले हैं बॉलीवुड की भाईजान की ये फिल्म। टाइगर 3 की शूटिंग जिस दौरान यहाँ पर शुरू हो चुकी है, उसी दौरान यहाँ पर टाइगर 3 के बाद कई ताबड़तोड़ फिल्मों के साथ बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले हैं सलमान खान, जिसके साथ ही हमें जल्द ही कैटरीना कैफ के साथ सलमान खान की जोड़ी देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं।
तो दोस्तों आपने देखा कि बॉलीवुड के भाईजान इतने शरारती भी हो सकते हैं। जिस तरीके से सलमान खान अक्सर मजाकिया रूप में नजर आते हैं, जिस तरीके से वो हर किसी से घुल मिल जाते हैं, हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं, उसी के चलते एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने उनको लेकर कई खुलासे किए जो आपने हमारी रिपोर्ट में जाना। और आपको पता चला कि किस तरीके के सलमान खान पहले के दशक में हुआ करते थे, कितना वो ड्रामा किया करते थे एक्टिंग को लेकर और अपनी डांसिंग को लेकर खासकर। तो आपको भाईजान का ये रूप देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट टाइम।